हाई फ्रेंड्स सो आज हम बात करने वाले हैं दो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के बारे में दो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिनमें जो दो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के बारे में बात की गई थी उसमें से एक स्टॉक तो मुझे अच्छा लगा बट दूसरे स्टॉक का एक रिप्लेसमेंट आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट बिकॉज जिस तरीके का आर्ग्यूमेंट वहां पर रखा गया था रिगार्डिंग दीज ऑटो एंसिलरी प्लेज वो काफी ज्यादा वैलिड मुझे नजर आ रहा था जैसे कि एवरीबडी नोज दैट कि वी आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि जो आईसी इंजिनस होते हैं वहां से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं बट इसमें uh, इस ऑटो इंडस्ट्री शिफ्ट में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होंगे वेदर इट इज एन आईसी इंजिन कार और आईसी इंजिन टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल कार और टू व्हीलर तो वहां पे ये कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट रहने ही वाली है सो so, जो इनहेरेंट या फिर जो एक बेसिक डिमांड है ऑटो कंपनीज uh, की ऑटो uh, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो उसके लिए uh, ये uh, जो प्लेज है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहेंगे एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी इज वेरी मच इंटैक्ट वेदर इट इज ओल्ड स्कूल ऑटो इंडस्ट्री और अ न्यू इरा इन द ऑटो इंडस्ट्री विच इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो इसमें दो स्टॉक्स कौन से कौन से उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो so, पहली जो कंपनी है वो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड ये जो कंपनी है जिसका मार्केट शेयर है अराउंड सिक्सटी फाइव परसेंट इन मैकेनिकल केबल्स टू डोमेस्टिक टू व्हीलर्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स ऑल्सो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल देखेंगे हम इस कंपनी का तो अराउंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्स करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें सजेस्ट करा है दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी तो ऑब्वियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड स्मॉल कैप कंपनीज में या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो रिस्क एसोसिएटेड होता है वो काफी ज्यादा होता है मेजर रीजन बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इन द मार्केट लोअर वॉल्यूम्स तो लोअर वॉल्यूम्स पे जैसे बाइंग का बाइंग डिमांड बढ़ती है ऑटोमेटिकली so प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर आते हैं बट छोटा सा सेलिंग सप्लाई uh, भी अगर मार्केट में आ जाता है तो वो रिस्क हमेशा इन स्टॉक्स uh, के साथ रहेगी वी हैव सीन वर्स्ट फेज ऑफ ऑटो सेक्टर इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रिल मे जहां पर uh, ये जो स्टॉक था 52 टू वीकलोज था इस स्टॉक का वो अराउंड 99 का था एंड 52 टू वीक हाई इज अराउंड 265। इट मीन करंट प्राइस अगर हम देखेंगे तो 255 फिफ्टी फाइव की तो ऑलमोस्ट 52 टू वीक हाई पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है इसका अगर पी रेशो की हम बात करते हैं तो थर्टी सेवन का पी रेशो यहां पर uh, चल रहा है डे टू इक्विटी रेशियो इज अराउंड पॉइंट इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज एट हमेशा याद रखिएगा डेट टू इक्विटी रेशो अगर ज्यादा होता है किसी कंपनी का नॉर्मली फॉर स्मॉल कैप companies 0.29 is इज ऑन higher साइड बिलीव मी स्मॉल कैप कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो या फिर जीरो डेट कंपनीज हो सो दैट इज बेनिफिशियल तो यहाँ पे एट का इंटरेस्ट coverage रेशियो इज वेल इनफ बड़ी कंपनीज जो होती है उनका भी मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इंटरेस्ट कवरेज ratio शुड बी मोर देन टू एंड half टाइम्स तो ये हमेशा हमने यहाँ पे याद रखना चाहिए ये जो मैकेनिकल केबल्स प्रोवाइड करने वाला ये जो कंपनी है आई थिंक स्टार्ट हुआ था टी मोटर्स को ये सप्लाई करते थे और उसके बाद इन्होंने you know, अपना जो प्रिंट है वो ऑल ओवर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ाया है सो दैट इज अ गुड साइन सो थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन अगर आप देखोगे कंपेयर टू द ऑटो सेक्टर ये रहेगा uh, इस स्टॉक के साथ बिकॉज ऑफ द स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कैप टैग है इसका फोर uh, परसेंट का प्रोमोटर्स का स्टेक है फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने अराउंड थ्री एंड हाफ परसेंट की इन्वेस्टमेंट की हुई है इस स्टॉक में अराउंड ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव परसेंट इज टोवर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड जनरल पब्लिक के पास थर्टी नाइन परसेंट का ओवरऑल uh, होल्डिंग यहां पे अवेलेबल है अब ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हमने बात की एफ आई इसके अलावा Uh, कुछ इन्वेस्टर्स है स्पेसिफिकली पीएमएसएस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जिन्होंने भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हैं वो भी उन्हीं थर्टी नाइन परसेंट में आते हैं तो नॉट नेसेसरीली कि जनरल पब्लिक के पास ही 39 परसेंट होल्डिंग है इस कंपनी की बट बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के जो Uh, स्कीम्स है उन्होंने भी यहाँ पे एलोकेशन लिया हुआ है बट दे डू नॉट कम अंडर द इंस्टिट्यूशन डी के तौर पे उनको कंसिडर नहीं किया जाता रीजन बिकॉज जो पी होते हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट्स के हिसाब से मैनेज की जाती है सारी चीजें तो आपका डिमार्ट अकाउंट ओपन किया जाएगा एंड ऑन योर बिहाफ that PMS मैनेजर विल बी मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो सो जो लिस्टिंग uh, होती है शेयर होल्डिंग की उसमें उसको डी आई एस या एफ आई एस के हिसाब से माना नहीं जाता तो ये भी हमने

ओल्ड स्कूल ऑटो इंडस्ट्री और ईवी इंडस्ट्री तो वहां पर मतलब बोल्ड्स एंड नट्स तो लगने वाले फास्ट नर लगने वाले हैं बट यहाँ पे जब मैं कंपनी को थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था तो मुझे रिटर्न रेशियोज भी काफी कम लगे 10 परसेंट का आर है टेन पॉइंट या फिर 11 परसेंट का आर है अगर डेट टू इक्विटी रेशियो में देखता हूं तो पॉइंट टू सिक्स का है बट इंटरेस्ट कवरेज रेश फोर पॉइंट सिक्स सिक्स पी रेशो इज स्टिल अंडर कंट्रोल ट्वेंटी का पी रेशो यहाँ पे हमें नजर आता है बट ओवरऑल रिस्क अगर आप देखोगे तो 750 फिफ्टी करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का इट मीन इट्स अ माइक्रो कैप काइंड ऑफ कंपनी नॉर्मली देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप बट अगर फर्स्ट 250 स्टॉक्स में कोई स्टॉक आता नहीं है फर्स्ट uh, 250 फिफ्टी स्मॉल कैप स्टॉक्स यानी कि फर्स्ट हंड्रेड लार्ज कैप स्टॉक्स नेक्स्ट वन फिफ्टी मिड कैप स्टॉक्स एंड देन नेक्स्ट टू ज ए स्मॉल कैप स्टॉक और फाइव हंड्रेड प्लस वाली जो रैंकिंग वाले स्टॉक्स है उनको माइक्रो कैप कहेंगे तो हमने ये आई थिंक दैट वुड बी गुड सो रिस्क एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर दी स्टॉक्स विल बी ऑन हायर साइड तो फिर यह स्टर्ग टूल्स का रिप्लेसमेंट कौन सा है सो आई थॉट की जो मार्केट लीडर है इस इंडस्ट्री का सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड ये मार्केट लीडर और इन्होंने सिर्फ बोल्ड एंड नट्स में अपना एलोकेशन नहीं रखा है सो दे है फुट प्रिंट इन अदर ऑटो एंसिलरीज आल्सो लाइक वाटर एंड ऑयल पंप्स या फिर कोल्ड एक्सट्रूडेड कंपोनेंट्स हॉट एंड वार्म पार्ट्स रेडिएटर कैप्स एंड अदर पार्ट्स व्हिच आर मेजरली एप्लीकेबल इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का सुंदरम फास्टर्स का वो है 13000 करोड़ रुपीज तो एज पर दी रैंकिंग्स लिस्टिंग्स ये एक मिड कैप कंपनी नजर आती है दो दिस पर्टिकुलर कंपनी कंपेयर टू स्टर्लिंग टूल्स इज ट्रेडिंग एट हाइयर वैल्यूएशन सेवन पॉइंट मेजर रीजन बिहाइंड दैट इट हैज मोर डेट टू इक्विटी रेशियो कंपेयर टू स्टर्लिंग टूल्स बट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज मोर देन ट्वेल्व टाइम्स सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन विच आई फेल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी जो प्रमोटर्स का स्टेक है इस कंपनी में वो है फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव थ्री परसेंट का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी काफी अच्छी होल्डिंग इस कंपनी में रखी है नाइन पॉइंट सेवन एट परसेंट फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज भी आती है उन्होंने एटीन पॉइंट टू सेवन परसेंट की होल्डिंग रखी है इस कंपनी में एंड जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग पीएमएसएस दे आर होल्डिंग ट्वेंटी टू पॉइंट फोर टू परसेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी ओवरऑल अगर रिटर्न रेशियोज की हम बात करेंगे तो कंपेयर टू स्टर्लिंग टू स्विच वॉज एट अराउंड टेन टू इलेवन परसेंट यहां पे मुझे आर ओ एंड सी एट फिफ्टी सिक्स परसेंट आर अ गुड साइड मतलब 15 परसेंट का एक थ्री शोल्ड आपने रखना चाहिए बिफोर स्क्रीनिंग एनी स्टॉक दैट्स व्हाट आई फील सो ओवरऑल ये दो स्टॉक्स ने को आपने रडार पे रखना चाहिए वन इज सुंदरम फास्टनर्स and uh, the other one is Suprajit Engineering Limited. This is not a direct advice to go and invest. Radar रडारे रखिए आपके advisor को पूछ के अपने इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेने चाहिए सिर्फ और सिर्फ YouTube को देख के कॉल्स लेना वुड नॉट बी राइट दो वी हैव आवर मॉडल पोर्टफोलियोज बिल्ट प्रॉपरली एलोकेशन कितना रखना चाहिए किस स्टॉक में स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप Value stocks, growth portfolios, mutual fund model portfolios, all are available on our website investindia.in. दै डॉट इन तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो कॉल कीजिए मेल लिखिए दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड इफ यू पीपल फील दट वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जय हिंद